पटना के एसके पुरी थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर नाले में गिरे 10 साल के बच्चे दीपक का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। दीपक को निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी है। दीपक के परिवार वाले इस उम्मीद के साथ अपने घर के चिराग लौटने का इंतजार कर रहे हैं कि वो सकुशल वापस लौट आएगा। हालांकि घटना के बाद से परिवार वालों का रो रोकर बुरा हाल है। घटना स्थल पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि ये घटना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है। दीपक नहीं है ऐसा लोगों को लगता है, और परिवार के साथ बड़ा हादसा हो गया। माँ बाप का एक ही बेटा था, हम सब लोग मनमाहत हैं। उनके परिवार ही नहीं, परिवार पटना पूरा मनमाहत है, और हम लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जल्दी बच्चा प्राप्त हो जाए। NDRF SDRF की टीम संयुक्त से ध्यान में लगी हुई है। नगर निगम के सारे स्टाफ अधिकारी कर्मचारी सब लोग लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि रिजल्ट निकलना चाहिए। घटना तो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, और पहले भी इस तरह की घटना हुई। मैं समझता हूँ कि जो कमी रही होगी उसको उजागर हुआ है, उस कमी को दूर करेगी शासन सरकार, और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, किसी घर का और दीपक न बुझे, इसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। गंदे नाले में गिरे दीपक की जान का डर हर किसी को सता रहा है, बावजूद इसके बचाने का प्रयास अब भी जारी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।